लेकिन हमारे पैगंबर ने एक विधवा स्त्री खतीजा से उससे निकाह करके उस अभागन को सुहागन बनाने का कार्य किया। साथियों, जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग उनको जिंदा दफन करते थे। हमारे पैगंबर ने दुनिया को यह संदेश दिया, लोगों को बताया कि अल्लाह जिनको इस दुनिया में पैदा करता है, जब उनको रहने खाने सारा सब कुछ बंदोबस्त अल्लाह करता है, इसलिए हमें ऐसा पाप काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमारे पैगंबर को, पैगंबर का कोई गुरु नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था उनका, सब कुछ सारी विद्या सारी तालीम अल्लाह ने उनको अपने आप रखा था। साथियों, आज उस समय तो पैदा होने के बाद लोग जिंदा दफन करते थे, आज के समय में हम लोग पेट में ही भ्रूण परीक्षण करा करके उनको पैदा होने से पहले ही मार डाल रहे हैं। कम से कम आज इस जलूसे मोहम्मदी में सभी लोग हाथ उठा करके शपथ ले कि हम लोग ऐसा कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। आज जब मोहम्मद साहब ने, हमारे पैगंबर ने दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया है, आज उनके हम इस जलूसे मोहम्मदी में उनके संदेश को, उनके हम सच्चे अनुयायी, उनके सच्चे इस्लाम के वाले हम तब होंगे मानने वाले जब हम पूरे अमन और शांति के साथ अपना जलूस निकाले, दुनिया को अमन और शांति का संदेश दे और हमारे बदला चौराहे हैं जो तहजीब निकल करके जा रही है, तो लोग हमें दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और अमन और शांति का संदेश दे रहे हैं। ये पूरे दुनिया में, हमारे क्षेत्र जनपद में नहीं बल्कि जो यहाँ का नाम कुछ गड़बड़ हो गया था बीच में, वो यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाए। आप लोगों को जलूस-ए-मोहम्मदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई।